रोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री मोदी 10 लाख नौकरियों का तोहफा दे रहे हैं 2023 में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए नवनियुक्तों को संबोधित करने तथा हमारा मार्गदर्शन करने का अनुरोध करती हूं। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, देश के युवा बेटे और बेटियां, उपस्थित सभी अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, सबसे पहले आप सभी को, सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। भगवान धन्वंतरि आपको स्वस्थ रखे, मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मैं परमात्मा से यही कामना करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं अभी अभी केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा करके आया हूं और उसके कारण थोड़ा मुझे विलंब भी हो गया, और विलंब हो गया इसके लिए भी मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। साथियों, आज भारत की युवा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया है। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुझे खुशी है कि एनडीए शासित कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी और भाजपा सरकारें भी अपने यहां इसी तरह रोजगार मेले आयोजित करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, दादरा नगर एवं नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार भी आने वाले कुछ ही दिनों में हजारों युवाओं को ऐसे ही कार्यक्रम करके नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है।
विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे उद्यमी, हमारे किसान, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हर किसी की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी विकसित भारत का निर्माण सबके प्रयास से ही संभव है। सबका प्रयास कि इस भावना को तभी जागृत किया जा सकता है जब हर भारतीय तक मूल सुविधाएं तेजी से पहुंचे और सरकार की प्रक्रियाएं तेज हो, त्वरित हो। कुछ ही महीनों में लाखों भर्तियों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करना, नियुक्ति पत्र दे देना, ये अपने आप में दिखाता है कि बीते 7-8 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव सरकारी तंत्र में लाया गया है। हमने 8-10 साल पहले की वो स्थितियां भी देखी हैं, से सरकारी काम में भी कई कई महीने लग जाते थे। सरकारी फाइल पर एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचते पहुंचते हैं धूल जम जाती थी। लेकिन अब देश में स्थितियां बदल रही हैं, देश की कार्य संस्कृति बदल रही है। साथियों, आज अगर केंद्र सरकार के विभागों में इतनी तत्परता, इतनी एफिशिएंसी आई है, इसके पीछे 7-8 साल की कड़ी मेहनत है, कर्मयोगियों का विराट संकल्प है। वरना आपको याद होगा, पहले सरकारी नौकरी के लिए अगर किसी को अप्लाई करना होता था तो वहीं से अनेक परेशानियां शुरू हो जाती थी। भांति भांति के प्रमाण पत्र मांगे जाते, जो प्रमाण पत्र होते भी थे उनको प्रमाणित करने के लिए आपको नेताओं के घर के बाहर कतार लगा के खड़ा रहना पड़ता था, अफसरों की सिफारिश लेकर के जाना पड़ता था। हमने सरकार के शुरुआती वर्षों में ही इन सभी मुश्किलों से युवाओं को मुक्ति दे दी। सेल्फ एटेस्टेशन, युवा अपने सर्टिफिकेट खुद प्रमाणित करे, ये व्यवस्था की। दूसरा बड़ा कदम हमने केंद्र सरकार की ग्रुप सी और ग्रुप डी इन भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म करके उन सारे परंपराओं को उठा लिया। इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त करने से भी लाखों नौजवानों को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, आज भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7-8 साल के भीतर हमने 10वें नंबर से 5वें नंबर तक की छलांग लगाई है। ये सही है कि दुनिया के हालात ठीक नहीं है। अनेक बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं। दुनिया के अनेक देशों में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अनेक समस्याएं अपने चरम पर है। 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के साइड इफेक्ट्स 100 दिन में चले जाएंगे, ऐसा न हम सोचते हैं, न हिंदुस्तान सोचता है और न ही दुनिया अनुभव करती है। लेकिन इसके बावजूद संकट बड़ा है, विश्वव्यापी है,
और उसका प्रभाव चारों तरफ हो रहा है, दुष्प्रभाव हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत पूरी मजबूती से लगातार नए नए इनिशिएटिव लेकर के, थोड़ा रिस्क लेकर के भी ये प्रयास कर रहा है कि ये जो दुनिया भर में संकट है उसको से हम हमारे देश को कैसे बचा पाएं, इसका दुष्प्रभाव हमारे देश पर कम से कम कैसे हो। बड़ा कसौटी काम है, लेकिन आप सर के सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से अब तक तो हम बच पाए हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 वर्षों में हमने देश की अर्थव्यवस्था की उन कमियों को दूर किया है जो रुकावटें पैदा करती थी। साथियों, इस देश में ऐसा वातावरण बन रहा है जिसमें खेती की, प्राइवेट सेक्टर की, छोटे और लघु उद्योगों की ताकत बढ़े, ये देश में रोजगार देने वाले सबसे बड़े सेक्टर है। आज हमारा सबसे अधिक बल युवाओं के कौशल के विकास पर है, स्किल डेवलपमेंट पर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग देने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसके तहत अभी तक 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को स्किल इंडिया अभियान की मदद से ट्रेन किया जा चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।